दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उनके पिता केके सिंह ने बेटे की संपत्ति पर अपना दावा जताया है। सुशांत के पिता केके सिंह ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा, मैं सुशांत का कानूनी रूप से वारिस हूँ। सुशांत के पिता ने बयान प्रेस को जारी किए नोट में लिखा कि सुशांत ने अपनी जिंदगी में जिन वकीलों CA और प्रोफेशनल्स को रखा था उनकी सेवाएं ले रखी थी। कानूनी वारिस होने के बाद अब उनकी सेवा सुशांत की मौत के बाद समाप्त करता हूं। केके सिंह ने कहा, अब बिना मेरी सहमति के कोई भी वकील CA या अन्य को सुशांत की संपत्ति पर रिप्रेजेंट करने के हक नहीं होंगे। हाल ही में कुछ वकील मीडिया में आए थे और उन्होंने सुशांत द्वारा वकील रखने का दावा किया था। इन लोगों ने खुद और सुशांत के बीच हुई कुछ बातें कही थी। इस तरह की बातों का खुलासा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 126 और बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया रूल्स के तहत वर्जित है। सुशांत के पिता ने लिखा, बिना मेरी सहमति के किसी को ये अधिकार मैं नहीं देता हूँ कि वो सुशांत को रिप्रेजेंट करे। प्रेस नोट में सुशांत के पिता ने लिखा, मैं ये भी साफ कर देता हूँ कि मैं और मेरी बेटियों ने SKV लॉ ऑफिसेस कमर्शियल वरुण सिंह को बतौर अपने वकील के रूप में अधिकृत किया है। साथ ही सीनियर वकील विकास सिंह मेरे परिवार को रिप्रेजेंट करने के लिए अधिकृत है। कोई दूसरा व्यक्ति जो परिवार का दावा कर रहा है उन्हें मेरी सहमति नहीं है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इस लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।